18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुरिया ने धरना शुरू किया। आरोप लगाया कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण पर छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट में 2 FIR दर्ज की। 3 मई की रात को पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हो गई। झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत और 5 पुलिस वाले घायल हुए। 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी और राजस्थान और पंजाब की खापों की महापंचायत हुई। इसमें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। 21 मई को फिर महापंचायत हुई और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च और 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत करने का फैसला लिया गया। 26 मई को पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 मई को वो धरना स्थल से नए संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे। 28 मई को पहलवानों ने नए संसद के सामने महापंचायत के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 29 मई को सारा दिन पहलवान घर पर रहे और मेडल गंगा में बहाने और इंडिया गेट पर आमरण अनशन का उन्होंने फैसला किया। तीस मई को पहलवान हरिद्वार की हर की पौड़ी में मेडल बहाने आए, जहां किसान नेता नरेश टिकैत के मनाने पर सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देकर उन्होंने अपना फैसला टाल दिया। 31 मई को न्यूज एजेंसी NI के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के पास ब्रजभूषण की गिरफ्तारी लायक सबूत नहीं है। इस पर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके इसका खंडन किया और कहा जांच जारी है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। 2 जून को कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई। इसमें 9 जून तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। 3 जून को दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल। 4 जून को सोनीपत में सर्व समाज पंचायत हुई, जिसमें बजरंग पुनिया ने कहा अभी कोई फैसला ना ले, हम जल्द एक संयुक्त महापंचायत बुलाएंगे। आज यानी 5 जून को पहलवान रेलवे में अपनी नौकरी में वापस लौट गए। हालांकि उन्होंने कहा है कि आंदोलन अभी भी चलता रहेगा।